नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पटना के दीघा घाट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अभी तुरंत एक नाव हादसा हुआ है। बालू लाद करके सोन नदी से वो नाव चली थी और आकर के दीघा घाट के 12 नंबर पाया के पास नाव हादसा हो गया, नाव पलट गई। नाव पर 13 लोगों के सवार होने की सूचना है। कुछ लोगों ने जान बचा ली है तैर करके और कुछ लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन वहीं पर 2 लोगों के लापता होने की भी खबर है। जी हां, ये सोन नदी से बालू लाद करके नाव आई थी और आकर के दीघा घाट के 12 नंबर पाया के पास नाव पलट गई, जिस पर 13 लोग सवार थे। बहुत सारे लोग तैर करके पार लग गए, लेकिन 2 लोगों के लापता होने की संभावना जताई जा रही है। 2 लोगों की लापता होने की संभावना है और उसके लिए SDRF की टीम वहां पर पहुंच गई है और रेस्क्यू कार्य में सभी लोग लगे हुए हैं। बाकी लोगों को बचाने की और खोजने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला पटना के दीघा घाट की है। दीघा घाट के 12 नंबर पाया के पास नाव हादसा हुआ है। उस नाव पर 13 लोग सवार थे। कुछ लोग तैर करके निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 2 लोग वहीं पर लापता हैं, जिसकी तलाश SDRF की टीम कर रही है। ये पूरा मामला पटना के दीघा घाट का है। दीघा घाट के 12 नंबर पाया के पास ये नाव हादसा हुआ है। सवार थे वो पाया पर लड़के डूब गया है। कहाँ पे डूबा था? 12 नंबर पाया। कितने लोग सवार थे नाव पे? 12-13 आदमी थे। अच्छा, क्या का नाव? नाव में क्या पैसेंजर था या खाली बालू था? या बालू था? बालू था। अभी तक कितने लोग निकले? अब आदमी हम लोग नहीं मिले। आप लोग कैसे निकले? हम लोग तो इसी नाव से आए। अच्छा, रिपोर्ट। कितने बजे घटना है? ये 6 बजता होगा, 6 से। कहाँ तक नाव निकला था, कहाँ जा रहा था? तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।